हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल इट्स मे टॉ थ्री वन थ्री कैसे हैं आप सब लोग आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड उनको आप में क्या पसंद है जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनको आप में क्या पसंद है व्हाट दे लाइक्स इन यू इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग टेक पर ट्रेजनेट एंड लीव द रेस्ट इफ यू गाइज आर न्यू हीयर सो डोंट फॉर टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ई मेल यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मैंशन है प्लीज चेक कर लीजिएगा सो लेट स्टार्ट द रीडिंग जो भी पर्सन आपके माइंड में है चाहे आपके साथ उनका जैसा भी कनेक्शन है जो कुछ भी चल रहा सब है सबके लिए रीडिंग ओपन है थ्री टाइम्स नेम उनका रिपीट करें अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें और पॉजिटिव रहें जनरल रीडिंग है सो डोंट टेक एनी थिंग पर्सनल किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने पे फिक्स ना करिएगा जैसे मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ ठीक है बट हाँ एनर्जीज वॉइस वर्सा साथ जरूर उस हो, सकत, हो सकती हैं ठीक है ना सो लेट्स पर्सन ऑन योर माइंड उनको आप में क्या पसंद है व्यूर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं उनको उनमें क्या पसंद है वाट द लाइक्स एन यू पर्सन ऑन योर माइंड वी हैव द हाई प्रस्टिस हडन टैलेंट नंबर टू इंपॉर्टेंट हो सकता है वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसी स्कॉर्पियो एनर्जी एंड वी है पावर एनर्जी नंबर सिक्स भी इंपॉर्टेंट है टू सेवन सिक्स वन लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ जैम ए वर्गो की एनर्जी है वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स द लॉस आई थिंक ये जो भी पर्सन है ना जिनको आप में क्या पसंद है इसके लिए रीडिंग देख रहे हो आई थिंक इनके साथ आपका कॉन्टेक्ट नहीं है या बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ कि आपका ब्रेकअप चल रहा है इनके साथ और ये इंसान जो है वो डेफिनेटली आपको आपको लूज़ कर चुके हैं इनको लगता है ये इंसान आपको खो चुका है या फिर हो सकता है या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो यस या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो किसी रीजन की वजह से तो इनको आपका इग्नोर करना बड़ा पसंद आ रहा है उनको लग रहा है जैसे कि इंसान इंसान आपको लूज़ कर चुके हैं आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ये जो भी इंसान है इनको पसंद ये है आपका इग्नोर करना इनको बड़ा पसंद आ रहा है इस टाइम तो करंटली हम करंटली बात कर रहे हैं ना कि इनको आप में क्या पसंद है आपका मल्टी टैलेंटेड होना आपका हिडन टैलेंटेड होना आपका क्रिएटिव होना इनको बड़ा पसंद है इनको लगता है यू गाइज आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन वी हैव मून इट्स एल्यूजन इनको लगता है आप बहुत इंट्यूटिव हो विद अ पेज ऑफ कप्स इट्स अ क्रिएटिविटी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी बाय द वे वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड इट्स अ जैमिन एलिब्रा इक्वेरियस पेज ऑफ स्वॉर्ड या वी हैव एट ऑफ कप्स या डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकअप है इस इंसान के साथ जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो और आपका इग्नोर करना आपका इनसे दूर रहना इस टाइम इनको बड़ा पसंद आ रहा है पसंद इन सेंस कि जितना आप इनको इग्नोर कर रहे हो जितना आप इनसे दूर हो जितना उतना इनको लगता है आप इनको ये आपको लूज़ कर चुके हैं इन्होंने आपको खो दिया है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करने पर मजबूर कर रही हैं ये आपको भूल नहीं पा रहे इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो यू गा आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आप हर चीज़ को सेंस कर लेते हो आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो लाइट वर्कर हो हीलर हो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं टैरो का रीडर हो सकते हो सो वेलकम टू माय चैनल सो मुझे ये एनर्जी दिख रही है ये जो भी पर्सन है ना इनको लगता है आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करके रखने वाले हो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो आप जितना ज़्यादा इमोशनली होते हो किसी भी इंसान को लेकर और स्पेशली इन पर्सन को लेकर जितने भी आप इमोशनली हो आप एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं इनको कर रहे इनको आपके अंदर जो चीज़ पसंद है ना वो इनको आपका बहुत ही कूल डाउन काम रहना पसंद है इनको लगता है यू गाइस यूगाइरा हीलर हो सकता है आपसे बात करके इनको बड़ा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी आपकी तरफ जा रही है या तो आप टेलीपैथी इनकी तरफ भेज रहे हो या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ हीलिंग आपकी एनर्जी जा रही है इस पर्सन की तरफ आप सोच तो जरूर रहे हो होगाजन इनको लेकर चाहे आप एक्सप्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे ये एक अलग टॉपिक है बट आई थिंक आप इनके बारे में जब सोचते हो ना तो इनको कहीं ना कहीं हीलिंग मिलती है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हीलिंग अपने आप को फील करते हैं आपके दरमियान डिस्टेंस भी है इनको पसंद है आपका सक्सेसफुल रहना हो सकता है आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे टेलेंटेड हैं आप मल्टीटास्किंग हो जिसकी वजह से हो सकता है लोग आपको बहुत पसंद करते हैं या फिर आप कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा है जो लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता है लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है और जहाँ से उनको लगता है बड़ी आपको सक्सेस मिली है आपका ट्रैवल करना आपका बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना आपका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ऑल्सो ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने जो भी कोई इनके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाया या जो भी कोई आप लोगों का इनके साथ कोई लविंग रिलेशनशिप रहा है इनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो आपकी डेफिनेटली पसंद आई हैं तो उस वजह से भी आपको पसंद करते हैं यू गाइज़ आर वेरी फ्रेंडली वेरी लविंग वेरी यू नो इज़ी गोइंग पर्सन इनको लगता है आप हो लेकिन साथ ही साथ इनको ना जो चीज़ पसंद है उनको लगता है कि आप ऐसे किसी पे बिलीव नहीं कर लेते आप एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर हो एंड साथ ही साथ आप हर चीज़ को लेकर बड़ी अच्छे से आ, पूरी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करते हो डीपली जाके आपको किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न होती है या किसी भी चीज़ की क्लैरिटी लेनी होती है तो आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से हर तरह से अवेयरनेस रखते हो कि आपको आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना हो कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो इनको चीज़ पसंद है आपका पावरफुल रहना आपका क्रिएटिव होना आपका मल्टीटास्किंग होना आपका बहुत स्किलफुल होना आप जो सोचते हो जो ठान लेते हो आप वो करके रहते हो फिर आपको उस मोटिव से कोई हटा नहीं सकता वो इस इंसान को बहुत पसंद है येस yes, बट इनको लगता है कि जो इंसान आपको छोड़ देता है या जिसको आप छोड़ देते हो ना वो फिर आप दोबारा उस पर्सन के पास नहीं जाते और हो सकता है इन्होंने अगर आपको छोड़ा है तो इनको लग रहा है कि आपने भी इनको लेट गो कर दिया है और इनको आपकी कमी महसूस हो रही है बट इनको लगता है आपको इनकी कमी महसूस नहीं हो रही बिकॉज आप अपनी लाइफ में बहुत टोटली सैटिस्फाई हो लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं लेकिन इनको लगता है आप शायद जो आपको छोड़ जाता है या फिर आप जिनको छोड़ देते हो आप उसको बिल्कुल भी याद नहीं करते ठीक है और हो सकता है आप माफ भी नहीं करते जिन्होंने आपको हर्ट किया हो आप पीसफुली जो है उस चीज़ों से मूव ऑन कर जाते हो जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही जो इंसान आपको कुछ दे नहीं रहा अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कुछ अच्छा तो आप उस चीज़ों से अपने आप को लाइक विदड्रॉ आप कर लेते हो आप उस चीज़ से निकल जाते हो ठीक है फिर आप किसी भी चीज़ का बैक ना तो देखते हो और बस आप इजीली आगे बढ़ जाते हो आपको हो सकता है आप ट्रैवल करना बड़ा पसंद करते हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर या फिर ट्रैवल करना आपको पसंद है एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो आपकी एक विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है यस yes, आप जितने स्ट्रॉग होगे जितना ज़्यादा आप सेल्फ केयर सेल्फ लव करोगे उतना ज़्यादा आप सामने वाले पर्सन को जो है वो अट्रैक्ट करोगे तो इनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट जा� कर रहे हो येस yes. और ये जो भी पर्सन है ये आपको इन सब चीज़ों की वजह से स्पाई भी बड़ा करते हैं ये आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं इनकी नज़र आप पे होती है और इन सारी सिचुएशन को देख के इनका उतना ज़्यादा दिल करता है आपसे बात करने को उतना ज़्यादा ये बेचैन होते हैं आपसे कम्युनिकेट करने को आप अट्रैक्शन आप में दिखती है इनको लगता है आपके अंदर एक ऐसी लाइक आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है आपकी फ़िज़िकल अपेयरेंस आपकी ब्यूटी ऐसी है जो इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है और उनको बहुत पसंद है आपको देखना ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है और ये इंसान आपको पसंद भी बहुत करते हैं आपकी सक्सेस की वजह से आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की वजह से आपके डिटर्मिनेशन की वजह से आपकी विल पावर की वजह से कि आप जो भी करते हो आप वो करके रहते हो इनको ये लगता है कि आप जो बात बोलते हो जो करना चाहते हो ना वो आप कर चाहते हो और करके रहते हो यू गाइज आर लाइक अ मजिशन आप मजिशियन दिखते हो इनको आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है एक मैजिक है जो नॉर्मल चीज को भी इतना ज़्यादा प्रिशियस बना देता है इनकी नज़र में इनको लगता है आपका इग्नोर करना दूसरे लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ दी होती है हर्ट किया होता है ऐसा है कि दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली फील करता है कि जैसे वो लाइफ में है ही नहीं या आपकी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता अच्छा इनको लगता है लेकिन तकलीफ भी बड़ी दे रही है या नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड उनको आप में क्या पसंद है वी हैव नोइंग ट्वेंटी एट आपकी इनकी एज हो सकती है डेट ऑफ बर्थ नंबर टेन एंड वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इनको लगता है आप फ्री विल हो आपको कोई भी किसी भी तरह से किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस नहीं कर सकता आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता आपको हर चीज़ का पता है यस yes, आप एक इंट्यूटिव हो मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है एडारो का रीडर हो यहाँ पर हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा स्परिचुअल पर्सन हो या फिर वैसे ही आपकी जो एक थर्ड आई चक्र है ना वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है कि आप किस आप चीज़ों को सेंस कर लेते हो कि कौ, कौन सी चीज़ आपके लिए नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है जिस किससे आपको एक अच्छा महसूस हो रहा है किससे बुरा महसूस हो रहा है आपको तो इनको ये चीज़ पसंद है वी हैव इट्स आ किनशिप नंबर फाइव इंपॉर्टेंट हो सकता है येस yes, आप टीम वर्क करना हो सकता है पसंद करते हो और आपके बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन भी इसी वजह से है कि यू इज़ आर वेरी सपोर्टिव आप हर हाँ चीज़ दूसरों के साथ शेयर करते हो जो भी कोई नॉलेज है या जिस भी तरह से आप अपने जो भी आपका जिनके साथ टीम वर्क है जो आपके कुलीग हैं या आपके टीम मेंबर हैं आपको जिस चीज़ों के बारे में पता है आप उनके साथ डेफिनेटली वो चीज़ों को शेयर करते हो आप सपोर्ट करते हो अपने जो भी आपका ग्रुप है स्पेशली वर्किंग प्लेस पर और हो सकता है ये आपकी वर्किंग प्लेस से ही पर्सन हो सकते हैं तो जो भी आपका बिजनेस है आपका जो भी जॉब है वहाँ पे आपके कनेक्शन अपने कोलीग्स के साथ उन लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं आपके टर्म्स वी हैव कॉन्फिडेंस आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है गाइस लाइक like आप किसी से डरते नहीं हैं यू गाइज अरे वेरी मोटिवेटेड पर्सन वेरी पॉजिटिव पर्सन और आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है जो आपको सबसे यूनिक दिखाती है आप जो भी चीज़ करते हो उसके बारे में आप पूरा अश्योर होते हो कि यस आप जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो किसी तरह का आप कंफ्यूज नहीं रहते एंड वी हैव सोलिट्यूट आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है या तो आप अकेला रहना पसंद करते हो या फिर आप आ, वैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा लाइक ज़्यादा बोलने वाली नहीं है आप मोस्टली हो सकता है क्वाइट रहते हो खामोश रहना पसंद करते हो दूसरे लोगों को भी आप ज़्यादा बोलने वाले लोगों को हो सकता है आप भी ना पसंद करते हो यस यू गाइस गाजरा हैव अ वेरी क्लियर माइंड आपको क्लैरिटी हर चीज़ की होती है कि आपने क्या बोलना है कहाँ बोलना है इन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनको लगता है लाइक समझदार हो इस चीज़ों को लेकर मोस्टली hmm. आप मुझे लगता है क्वाइट रहते हो बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हो और बहुत सोच समझ के बोलते हो इस वजह से भी शायद इनके ऊपर भी आप काफ़ी ज़्यादा एक इफ़ेक्ट रखते हो बिकॉज़ जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा उनकी बात को प्रेफर किया जाता है तो इनकी नज़र में वो सिचुएशन है कि आप चाहे कम बोलते हो या जब जहाँ बोलना होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ बोलना होता है वहां आप बोलते हो लेकिन सही बोलते हो सोच समझ के बोलते हो ऐसे ही नहीं जो भी मुंह में आया बोल दिया नो यस नाउ लेट्स सी मोर लेकिन मोस्टली आपकी जो नेचर है वो आई थिंक क्वाइट रहने वाली है अकेले रहने वाली है लेकिन हाँ टीम वर्क जहाँ पे आपको करना पड़ता है वहाँ पे डेफिनेटली आपका फुल कंट्रीब्यूशन होता है फोर्टी वन एज है यहाँ पे कुछ लोगों की हो सकती है डबल फाइव की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है नंबर वन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट आप चेंज को भी पसंद करते हो तो इनको ये चीज़ पसंद है वी हैवसा इसकेपिस्ट थर्टी टू आपकी इनकी एज हो सकती है अदरवाइज नंबर फाइव है ट्रिपल फाइव इज इम्पॉर्टेंट फाइव हमारे पास चेंज का नंबर होता है चेंज इनको आपको पसंद है इनको लगता है कम होम टू यूर सेल्फ यस आप हो सकता है घर रहना पसंद करते हो या फिर आपको जब लगता है कि अब आप आपको अकेला रहना क्योंकि यहाँ पे सोलिट्यूट की एनर्जी है टीम वर्क कर लिया काम हो गया बिजनेस हो गया फ्रेंड्स के साथ उसके अलावा आई थिंक आपको घर रहना ज़्यादा पसंद है यस yes, मुझे लगता है आप ज़्यादा जो है ना अपने आप को तन्हाई में रखना ज़्यादा पसंद करते हो और अपने घर में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आपको अपना बेडरूम बहुत पसंद हो सकता है वी हैव कॉन्फिडेंस कैसे कॉन्फिडेंस की यहाँ पे भी एनर्जी है दिस ये रिपीट हो रही है अगेन एनर्जी ट्वेंटी थ्री आपकी एज हो सकती है यहाँ पे ट्वेंटी थ्री एंड थर्टी टू है हो सकता है यहाँ तो आप एक दूसरे में कहीं ना कहीं आपको मिररिंग नंबर दिख रहे हैं या फिर हो सकता है इनको लगता है आप टोटली एक दूसरे के अपोजिट हो ये भी सिचुएशन हो सकती है दैट्स वाई आप इनको काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन ये भी सिचुएशन मुझे दिख रही है बट इनको लगता है कि आप हमेशा टाइम की वैल्यू करते हो आप बहुत ज़्यादा पंचुअल हो सकते हो टाइम पे हर चीज़ करना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है यू इज आर ऑल्सो अ वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन जो इनको पसंद है येस वी हैव लाइट हाउस आपको अपनी जो भी वर्थ है उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है आपको पता है यूगा इज़ आर टोटली कम्पलीट पर्सन आप अपने लिए इनफ हो आई एम ऑलवेज़ इनफ हो सकता है आपने कोई ना कोई ऐसी पिक्चर भी लगाई है अपने लिए तो आई थिंक इनको पसंद है आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना आपका अपने ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस होना कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है आप टोटली एक फुल पैकेज हो अपने लिए आप इनफ हो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है आपकी वैल्यू क्या है आपकी बर्थ क्या है ये किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आप ऑलरेडी जानते हो ट्वेंटी आपकी एज हो सकती है ट्वेंटी थ्री थर्टी टू नंबर टू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ट्वेंटी प्लस या थर्टी प्लस मुझे यहाँ पे एज आ रही है यस yes. और हो सकता है आप हर चीज़ की प्रैक्टिस वगैरह करते हो ये सेल्फ लव की आप आई थिंक प्रैक्टिस करते हो हम्म hmm. यस yes. आप अकेले ही मुझे लगता है आपको रहना ज़्यादा पसंद है हम्म यस सो दिस इज़ योर रीडिंग आई आई होप दिस विल हेल्प यू इन रेजनेट्स विद यू मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जोड़ दीजिएगा आई विल सी टूमो बाय